मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था के द्वारा खुशियों के बैंक में बच्चों द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें बच्चों के द्वारा प्लास्टिक की बोतल में पॉलिथीन स्क्रैप भरकर पाली ब्रिक्स बनाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। संस्था के महिला मोर्चा अध्यक्ष पुष्पा खंडूजा ने बताया कि खुशियों के बैंक में बच्चों द्वारा एकत्रित बोतलों में पॉलिथीन स्क्रैप जैसे टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट, नमकीन, चिप्स व अन्य पॉलिथीन को भरकर पॉली ब्रिक्स बनाई जा रही है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह मुहिम चलाई जा रही है। आने वाले समय में इनके बेंच, टेबल इत्यादि बनाए जाएंगे। वही संस्था के हिमाचल प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष व खुशियों के बैंक के मैनेजर नीरज बंसल ने बताया कि संस्था के द्वारा यह मुहिम काफी समय से चलाई गई है। वह माजरा पंचायत के वार्ड सदस्य भी हैं तथा उनके द्वारा लगभग 1000 बोतलों में पॉलिथीन स्क्रैप भरकर पॉली ब्रिक्स बनाई जा चुकी है तथा अतिशीघ्र अब इन पॉली ब्रिक्स से सार्वजनिक स्थानों पर बेंच, टेबल, गमले इत्यादि बनाए जाएंगे तथा जिससे कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक संदेश मिल सके। प्लास्टिक के कागज इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि जिससे पॉल्यूशन ना हो, हमारा पानी गंदा ना हो, इसलिए। क्या कहते बेटा मैं? पर्यावरण को बचा रहे हैं इसलिए हम बोतल में ये सब प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं। मेरा गांव मेरा देश एक सहारा के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है। जो भी हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल्स होती है जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक या पानी वगैरह पीते हैं तो उसकी जो बॉटल्स बजाती हैं उनमें हमने बच्चों को बोला है, जो उनके आसपास क्षेत्र में प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं जैसे बिस्किट के रैपर हो गए, टॉफी के रैपर्स हो गए या कुछ भी जैसे पॉलीथीन वगैरह जो भी है वो इन बॉटल्स में भरें और इनको हार्ड कर दें जिससे पॉली ब्रिक्स बनाएंगे हम। और इन पॉली ब्रिक्स का यूज़ करके हम अपने माजरा क्षेत्र में या तो कुछ बेंचेज वगैरह बनाएंगे या कुछ इस टाइप से हम कुछ आइटम्स बनाना दिखाएंगे आपको। मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने इनको बोला था कि भी अपने प्लास्टिक के बोतल में जो भी आप रैपर खाते हैं, मतलब कि आइसक्रीम है हो गया, चॉकलेट हो गया और इस तरीके के चीज़ें जो भी प्लास्टिक के कवर होते हैं अपनी किसी भी प्लास्टिक की बोतल में भरे। और ये बच्चे इसको चीज़ को भर के लेके आए हैं प्लास्टिक की बोतल के अंदर, ये छोटे छोटे बच्चों के छोटी छोटी बोतलों में देखो भरा है। और मैंने ऑलरेडी पहले से ही चलाई हुई है, लगभग 1000 बोतल्स हमने जो है हमारी संस्था के द्वारा जो है उसमें बोतलों में भरा जाता है प्लास्टिक। और मैं सभी माताओं बहनों और भाइयों से भी अनुरोध करूंगा जिनके घर में खाली बोतल है और उनकी कप्ता है, चाहे वो सब्जी की उसमें थैली आ रही है, नमक की थैली है या दाल की थैली है, कुछ भी चीज़ है, वो चीज़ में भर लें क्योंकि ये गंदा पॉलिथीन नहीं है। अगर हम इस पॉलिथीन को डस्टबिन में डाल देते हैं तभी गंदा होता है, अगर हम इसको बोतल में डाल देंगे तो ये कभी गंदा नहीं होगा। और अगर किन्हीं के पास लोगों के पास ऐसी बोतलें भरी हुई हैं तो वो हमें दे सकते हैं, हमारे साथ सहयोग करें और आगे के लिए भी जैसे इन बच्चों ने मेहनत करी है वैसे ही मेहनत करें और प्लास्टिक को सेव करें, अपने गांव को सुरक्षित करें। खाली बोतल्स जो घर में हमारे पास होते हैं कोल्ड ड्रिंक की, उनको फेंकना नहीं है कहीं पे, उनको इकट्ठा करना है। और जितने भी रैपर्स होते हैं जैसे चिप्स के हैं, बिस्किट्स के हैं और किचन में जो भी रैपर्स प्लास्टिक आता है वो सब बच्चों को बोला गया है कि बोतल के बीच में डालें और भर के वो हमारी संस्था को दें, हम उसके पे रिसाइकल के यूज़ करेंगे। कोई बैठने के लिए कोई टेबल्स बनाएंगे उस हिसाब से, जैसे भी होगा वो हम आपको बताएंगे। बात सारे बच्चे इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत सारी बोतल्स इकट्ठी की हुई हैं,